नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में गर्भवती महिलाएं जो आपने पंजीकृत किया है, उस महिला का आप जो उनकी डिलीवरी हो चुकी है, आपने अभी तक उनका डिलीवरी डेट नहीं चढ़ाया है, नहीं दिखाया है, वो अभी आपका उसी में ही पंजीकृत हैं। गर्भवती महिलाएं जो पंजीकृत हैं, उनको जब तक आप डिलीवरी डेट उनका नहीं चढ़ाएंगे, वो उसी में दिखती रहेंगी कि अभी प्रेग्नेंट है। तो उनका आप कैसे डिलीवरी डेट चढ़ाएं, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें कि कैसे चढ़ाना है डिलीवरी डेट। तब तक हम आपको, चलिए एक मैसेज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे निकला है, तो मैसेज ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जिस गर्भवती महिला की डिलीवरी हो चुकी है, उसके नाम के आगे आपको उनको डिलीवरी डेट जो दिखाना है, वो कैसे दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका जो मानदेय है 3 महीने से अभी नहीं आया है, वो मानदेय नहीं आएगा जब तक आप डिलीवरी डेट नहीं चढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ जो है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से है, तो यहाँ पे जो भी पोषण ट्रैकर ऐप में महिलाओं को पंजीकृत किया गया था, गर्भवती महिलाओं को, तो उनका जो है अभी पंजीकृत तो किया गया था, लेकिन उनको अभी किसी ने उनका डिलीवरी नहीं दिखाया है। गर्भवती धात्री का तो अलग अलग से पंजीकृत हुआ है पोषण ट्रैकर में, लेकिन अभी उनका वो नहीं दिखाया गया है। तो इससे ये वहाँ नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों ने जितना काम किया है वो अभी 3 महीने से ठप है। जब आप पंजीकृत किया है तभी आपका काम हुआ है पोषण ट्रैकर ऐप में। अब अगर आप उसका डिलीवरी नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने अभी दोबारा उनका काम किया है, क्योंकि डिलीवरी 2-3 महीने से कई महिलाओं की डिलीवरी भी हो चुकी है। तो उसके लिए आप जो है दिखाना पड़ेगा, तभी आपका मानदेय आएगा। और आपका जो भवन का किराया है, जिन जिन बहनों का अभी भवन का किराया नहीं आया है, वो भी सितंबर में भवन का किराया भी आ जाएगा। तो भवन का किराया 1 से 7 अगस्त से, और इस समय जो चल रहा है 7 अगस्त स्तनपान दिवस, ये है संभव प्रोग्राम, गोद भराई और अभियस सब चेक करेंगे, ये अभी अधिकारी लोग चेक कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारी मैंने दी है। तो चलिए हम आपको जो है कैसे डिलीवरी डेट उनकी दिखाते हैं, हम आपको डिलीवरी डेट दिखा रहे हैं कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लेना है। टोकन वो हो चुका है, तो यहाँ पे आप अपना अगर जैसे ही ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको अपने मोबाइल नंबर से और पिन एमपिन डाल के दर्ज कर लेना है। सबसे पहले हम आपको दर्ज करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। अब जैसे आपको डिलीवरी डेट दिखाना है, तो सबसे फर्स्ट किन महिलाओं को दिखाना है, तो आप डिलीवरी गर्भवती महिला पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप गर्भवती महिला पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे जिस नाम को आपको दिखाना है, चलिए हम उस नाम को, हमने आपको दिखाया है ना माया देवी, हमने एक नाम हमने ये चुना है, इसी का हमका डिलीवरी डेट दिखाना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें इस महिला की डिलीवरी डेट दिखानी है, तो यहाँ पे यहाँ सामने आपको ये जो दिख रहा है 3 बिंदी, आपको इस पे सबसे फर्स्ट क्लिक करना है 3 बिंदी पे। चलिए हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए माया देवी का प्रोफाइल अपडेट करें, इसका माइग्रेन प्रोफाइल, जानकारी एंटर करें या टीकाकरण, जो भी है ये एंटर करने का इसमें ऑप्शन दिया है। अगर आप उसका टीका लग रहा है तो टीका यहाँ पे जितना टीका लगा हुआ है यहाँ पे दिखेगा, और जानकारी कुछ डालनी है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिखेगी, और माइग्रेट प्रोफाइल जो है
उसके बाद यहाँ प्रोफाइल अपडेट करें या माइग्रेट प्रोफाइल जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो हमें इन तीनों पे नहीं, हमें यहाँ पे क्लिक करना है माइग्रेट प्रोफाइल पे। तो माइग्रेट प्रोफाइल पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया नीचे प्रशासकीय में से कोई। तो यहाँ पे आपका देख रहा है कि 20 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था यानी गर्भपात था, क्या भरना है, उसके लिए डिलीवरी डेट क्यों दिखानी है, गर्भपात था या जो है मृत जन्म हुआ है या कुछ भी है। जैसे कि यहाँ पे हमें डिलीवरी डेट दिखानी है, हम यहाँ पे कुछ नहीं इसको ऑन करेंगे, हम सीधे यहाँ पे आते हैं डिलीवरी डेट पे। यहाँ पे डिलीवरी डेट भरा जाएगा उस महिला का, जिस उस महिला का जब भी डिलीवरी हुआ है। तो चलिए हम इसकी डिलीवरी डेट यहाँ पे आपको, तो किसी की डेट आपको चढ़ानी नहीं आती तो आप डेट कैसे चढ़ाओगे। सबसे फर्स्ट आपको डेट जैसे चढ़ाना है, किस तरह डेट आप उसका भरोगे इसमें। तो यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिख रहा है, ये कैलेंडर जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करते जाना है। तो जैसे डिलीवरी पहले पीछे हो चुकी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करते जाना है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसकी डिलीवरी हुई थी अप्रैल में मान लीजिए, तो यहाँ पे अप्रैल में डिलीवरी हुई थी, अप्रैल में किस डेट को हुई थी, 28 को। तो यहाँ हम 28 करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ये देखिए आ गया 28 अप्रैल 2021, डेट अपने आप यहाँ पे आ चुकी है हमारा। अब यहाँ पे हमें माइग्रेट पे क्लिक करना है, माइग्रेट, माइग्रेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आप वाकई इस लाभार्थी रिकॉर्ड को स्तनपान कराने वाली माँ श्रेणी में माइग्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सीधे से ऑप्शन आना है, यहाँ पे ठीक कर देना है, कैंसिल तो करना नहीं, हमें तो चढ़ाना है। तो हमें यहाँ ठीक वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ठीक वाले पर क्लिक करेंगे, लाभार्थी का सफलतापूर्वक माइग्रेट किया गया, इस तरह उसका डिलीवरी डेट चढ़ जाएगा। कृपया लाभार्थी की सूची, अब यहाँ पे इसकी डेट आ चुकी है। अब लाभार्थी का नाम आप अपने आप यहाँ से उसका नाम, चलिए हम आपको नाम दर्ज करते हैं, नहीं डालना पड़ेगा तो हम यहाँ पे इसको चलिए इंग्लिश में नाम डालते हैं, माया देवी। इसका आधार नंबर है, तो आधार नंबर हमारे पास नहीं, स्वास्थ्य आईडी, NDHM, जन्म की तारीख। अब इसको जो लड़का हुआ है, लड़की क्या हुआ है, FAM, तो यहाँ पे हुआ है M, हम कर देते हैं मेल। पिता का नाम श्रीनाथ, श्रीनाथ SHRW श्रीनाथ, NATH श्रीनाथ। उसके बाद पिता का नाम हमने दर्ज कर दिया। अब यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे लाभार्थी का नाम करना है, यानी बच्चे का नाम ऊपर लाभार्थी यानी बच्चे का नाम करना है। तो ये बच्चे का नाम है राज भैया, RAJ BH भैया, चलिए राज भैया हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे माता का नाम है MAYA माया देवी, यहाँ पे माया देवी माता का नाम हो गया। मोबाइल नंबर, चलिए हम यहाँ पे बच्चे का वज़न चढ़ा देते हैं, वज़न है 3 kg, 3.2। चलिए हम यहाँ पे बच्चे का वज़न हमने चढ़ा दिया। जन्म ऊंचाई इकाई इंच में है, बच्चे की जन्म की ऊंचाई कितनी है, जन्म के समय बच्चे की ऊंचाई हम कर देते हैं 24, चलिए हम 24 हम कर देते हैं। उसके बाद है, देखते हैं बिना मोबाइल नंबर के सबमिट होता ही नहीं, इससे मोबाइल नंबर नहीं है, ये स्थान आवश्यक है, मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसका नहीं है तो उसका किसी परिवार का कोई सदस्य का अगर मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, अब हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है।
तो हमने सबमिट कर दिया है। इसका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया है, इसका रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे इसका रिकॉर्ड ये दिख रहा है, यहाँ पे इसका नाम आ गया, हमने अभी पंजीकृत किया तो यहाँ पे आ चुका है इसका रिटर्न। राज भैया ये नाम इसका हो गया, ये हो गया। उम्र इसका 3 मंथ है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।